हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट ट्यूटोरियल एकेडमी। आप यहाँ पे नया टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है यहाँ स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, इसके पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा हुआ था उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, जो कि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था फिजिक्स का यूज क्या है और फिजिक्स नीट में कहाँ पे यूज हो रही है, नीट में कितना आता है, इसके अलावा IIT में कितना आता है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो इसमें दो तरह से कॉन्सेप्ट हैं, एक मैक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट। मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, मैक्रोस्कोपिक मीन्स होता है लार्ज, मतलब जो लार्ज लेवल पे अगर हम किसी चीज़ की स्टडी करें तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्रो मीन्स लार्ज, ध्यान रखना है, मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। तो मैक्रो लेवल पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की तो उसको बोलते हैं हम लोग मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो बहुत स्मॉल लेवल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर अगर आप स्टडी करें, बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टडी करें तो उस कंडीशन में आपको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या कवर होता है, तो जैसे अगर हम लेबोरेटरी में कोई टेस्ट कर रहे हैं, लेबोरेटरी में फिजिक्स के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या टेरेस्ट्रियल कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल हो गया, लेबोरेटरी में हो गया, टेरेस्ट्रियल पर हो गया, तो इस कंडीशन में ये मैक्रो लार्ज हैं, ये मतलब ये बहुत छोटे तो ये नहीं है, ये सभी लार्ज रहेंगे। तो इस कंडीशन में अगर आप फिजिक्स की स्टडी करेंगे तो हम उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है जो आप स्मॉल लेवल पर स्टडी करें, या मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करें, एटॉमिक लेवल पर स्टडी करें, तो उस कंडीशन में जो स्टडी होगी उसे हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में एटॉमिक हो गया, न्यूक्लियर हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया। तो माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम एटॉमिक लेवल पर स्टडी करेंगे, एटॉमिक में तो एटम्स की स्टडी करेंगे, एटम के अंदर फिर प्रोटॉन आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर बात करें मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल की बात करें। इसके बाद न्यूक्लियर, न्यूक्लियर लेवल पर स्टडी करेंगे, तो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर बहुत ही स्मॉल लेवल पर हम स्टडी करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैक्रो मीन्स लार्ज। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू को, मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। इसको मैक्रो को इसको क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू जो आता है वो क्लासिकल फिजिक्स में आता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आ जाता है, अब क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स इंक्लूड हो जाती है, थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूड हो जाती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इंक्लूड हो जाती है, ऑप्टिक्स इंक्लूड हो जाती है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या आता है, क्लासिकल फिजिक्स जो आती है वो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में आती है। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में आती है, क्लासिकल फिजिक्स, ये ध्यान रखना है। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में है। अब मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या आता है, मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्लासिकल फिजिक्स आएगी, क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आएगा, मैकेनिक्स हो गया। मैं सेपरेट मेरे लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, मैकेनिक्स से पहले डिटेल में लेक्चर बनाए हुए हैं। तो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में मैकेनिक्स की स्टडी करेंगे हम, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स की स्टडी करेंगे, ऑप्टिक्स की स्टडी करेंगे, ये जो आएंगे ये सभी आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। फिर अगर हम एटॉमिक लेवल की बात करें, या माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, तो यहाँ पर आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, या क्वांटम मैकेनिक्स बोल देते हैं, या क्वांटम फिजिक्स ही बोल देते हैं, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि इस पर मैंने वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, वो आप वीडियो सेपरेटली देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप स्टडी करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स की, किसकी स्टडी करेंगे, क्वांटम फिजिक्स, मतलब क्वांटम फिजिक्स में इंक्लूड होता है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या है, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर लेवल पर आप स्टडी करेंगे, एटॉमिक, न्यूक्लियर और मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर आप स्टडी करेंगे तो उसको हम बोल देंगे क्वांटम फिजिक्स, या क्वांटम फिजिक्स में ही आप इसकी स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा बात करते हैं, अब क्लासिकल फिजिक्स में आ जाएगा मैकेनिक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ जाएगा, ऑप्टिक्स आ जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में भी मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत एडवांसमेंट, मतलब जीरो बेसिक से लेके बहुत एडवांस लेवल तक मैंने बनाए हुए हैं उस पर लेक्चर, काफ़ी लेक्चर पड़े हुए हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि
कि इसमें इंक्लूड क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स में क्या आता है। तो देखिए क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है, जैसे अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में आपको सभी लॉ पढ़ने हैं, सभी लॉ कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, वो आपको इसमें पढ़ना है क्लासिकल मैकेनिक्स में या मैकेनिक्स में। और फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे, कूलाम्स लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर कूलाम्स लॉ है। और उसके बाद फिर ऑप्टिक्स में आपको रे पढ़ना है, रे क्या होता है, ऑप्टिक्स मतलब लाइट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ये ऑप्टिक्स में आ जाती हैं, जैसे इंटरपोलेशन हो गया आपका, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगी। और थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ेंगे जीरोथ लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग के अलावा सिस्टम, सराउंडिंग, बॉयलर, टर्बाइन, पंप, कंप्रेसर, हीट इंजन, हीट पंप, इन चीज़ों की स्टडी करेंगे। कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट थ्योरम क्या होती है, कार्नोट साइकिल क्या होती है, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद फिर अगर हम थोड़ा और डिटेल में स्टडी करें तो मैकेनिक्स को भी फिर हमने फर्दर डिवाइड किया है। मैकेनिक्स में भी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो सभी लॉ आपको स्टडी करनी है, न्यूटन के जितने भी लॉ हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा है। यहाँ पे एनर्जी हम जनरली दो ही कंसिडर करके चल रहे हैं अगर बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी को ही कंसिडर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी का जो सम होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, टोटल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैकेनिक्स में तो सभी लॉ आ जाएंगे, मैकेनिक्स चाहे न्यूटन फर्स्ट लॉ हो, डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल हो, डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल के अलावा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी आ जाएगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जैसे आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा है, कूलाम्स लॉ पढ़ा है। कूलाम्स लॉ क्या पढ़ते थे, कूलाम्स लॉ सिंपल से बोलते थे कि कोई भी अगर दो चार्ज रखे हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है, ये कूलाम्स लॉ बोलता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कूलाम्स लॉ का। अगर यहाँ पे देखिए दो कोई चार्ज है क्यू वन क्यू टू चार्ज है, आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और चार्ज हो सकते हैं दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो एफ इक्वल टू है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट है जो कि कूलाम कॉन्स्टेंट है, इसमें वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, आपको गिवन होती है, ये तो बेसिक है। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं और डिटेल में, तो इसमें लॉ हमें पढ़ना है, सभी लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है, न्यूटन के जितने भी लॉ सभी पढ़ना है, डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड इनर्शिया फोर्सेस इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स इक्वल टू जीरो, तो इसको हम बोलते हैं डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल। अब इसके बाद फिर हम बेसिक बात करते हैं, ये तो हो गया। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो पहले मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी बता देता हूँ। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें गिवन हो उसको हम पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसकी दोनों गिवन हो उसको आप पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिसकी केवल मैग्नीट्यूड गिवन हो डायरेक्शन ना गिवन हो तो उसको हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना है वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में जैसे वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी वही क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन के बिना हो तो उसको हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में जैसे बात करेंगे डिस्टेंस हो गया है, डिस्टेंस के अलावा अगर स्पीड होगी, वेलोसिटी नहीं स्पीड होगी, ये हो जाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसमें केवल एक ही वैल्यू गिवन हो, केवल वेलोसिटी केवल मैग्नीट्यूड गिवन हो डायरेक्शन ना गिवन हो तो उस कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब दोनों चीजें गिवन होगी। वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्या क्या गिवन होगा, दोनों चीजें गिवन होगी, दोनों चीज मतलब मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, और अगर केवल मैग्नीट्यूड ही गिवन हो तो उस कंडीशन में जो क्वांटिटी पढ़ेंगे उसको हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये अब इसके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी की इसमें साइंस कौन सी यूज हो रही है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कौन से यूज हो रहे हैं, ये हमने टॉपिक लिया हुआ है टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। देखिए तो टेक्नोलॉजी हमने कुछ बेसिक टर्म्स लिए हैं बहुत सारे चीज़ें, लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स ले लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सबसे पहले लिया हुआ है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या होता है, स्टीम इंजन में सोर्स होता है, सिंक होता है, और हीट इंजन होता है, इससे स्टीम इंजन चलता है। तो इसमें वर्क कौन सा करता है, इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क करते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब इसमें
फर्स्ट लॉ भी एप्लीकेबल है, सेकंड लॉ भी एप्लीकेबल है। सेकंड लॉ सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि सेकंड लॉ में केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है, वो हीट इंजन पर ही वर्क करता है। मतलब हीट इंजन जो है ना वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पर ही वर्क करता है। और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच गिव 100% एफिशिएंसी। तो हीट इंजन मतलब अगर हम बात करें जनरली तो इस तरह से रहता है। मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हीट इंजन है और यहाँ देखो ये सोर्स होता है, सोर्स T1 टेम्परेचर पर होता है, ये सिंक है, सिंक T2 टेम्परेचर पर होता है, वर्क डन आपको W मिलता है, सोर्स हीट Q1 मिलती है, और Q2 हीट जो होती है ना वो रिजेक्ट हो जाती है सिंक में। Q1 हीट सोर्स से मिलती है, W आपको वर्क मिल जाता है, Q2 हीट रिजेक्ट हो जाती है, कहाँ रिजेक्ट हो जाती है सिंक में। तो यहाँ से वर्क आपको आउटपुट में मिल जाता है। ये होता है हमारा स्टीम इंजन, या हम बात कर रहे हैं हाँ स्टीम इंजन की बात कर रहे हैं सिंपल सा, या हीट इंजन ही बोल देते हैं हम इसको, स्टीम इंजन या हीट इंजन बोल देते हैं। तो ये हीट इंजन किससे वर्क करता है, लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है मैं बता चुका हूँ, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चार लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के। अब सेकंड पॉइंट आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल वर्क करता है, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दो तरह से रिएक्शन आपने पढ़ी। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, फिजन का मतलब होता है यहाँ पे ब्रेक होना, मतलब ब्रेक कैसे होंगे। अब फिजन रिएक्शन क्या पढ़ी है आपने, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। रिएक्शन जब ब्रेक होती है, चेन रिएक्शन होती है जब भी, क्या होती है जब हाई इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं तो उस कंडीशन में फिजन रिएक्शन होती है। और फिजन रिएक्शन क्या होती है, फिजन रिएक्शन में कंडीशन है कि इसमें चेन रिएक्शन होती है, ब्रेक होते हैं एटम 3, 9, 27, 81 इस तरह से ब्रेक होते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग फिजन रिएक्शन। फिजन मतलब होता है ब्रेक होना, और फ्यूजन का मतलब होता है ऐड होना। तो फ्यूजन जो रिएक्शन है वो सन में ऐड, सन में होती है, सन में हाइड्रोजन एटम मिलके, दो हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम एटम बना लेते हैं, और हाइड्रोजन में ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एटम। हाइड्रोजन के भी आपने आइसोटोप्स पढ़े होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के जो ड्यूटेरियम एटम है, दो ड्यूटेरियम एटम मिलके एक हीलियम का एटम बना लेते हैं, तो वहां पे फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। सन में जो रिएक्शन होती है वो फ्यूजन होती है, और यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शन होती है वो फिजन होती है। फिजन मींस ब्रेक होना, फ्यूजन मींस ऐड होना। फिर नेक्स्ट हमने लिया हुआ है रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो एंड टेलीविजन जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन किस पे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रिंसिपल पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रिंसिपल होता है उससे वर्क करते हैं क्या, रेडियो एंड टेलीविजन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं क्या, रेडियो एंड टेलीविजन। फिर इसके बाद आते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है ना वो डिजिटल लॉजिक्स पर वर्क करता है। कंप्यूटर जो वर्क करता है वो डिजिटल लॉजिक्स पर वर्क करता है। डिजिटल लॉजिक्स में क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कंप्यूटर केवल दो चीजों को समझता है, जीरो और वन। कंप्यूटर केवल दो चीजों, बाइनरी डिजिट आपने पढ़े हो, बाइनरी डिजिट का मतलब है कंप्यूटर केवल दो चीजों को ही समझता है, जीरो और वन। डिजिटल, डिजिटल जो लॉजिक है वो लॉजिक ही समझता है। आप जो कोडिंग करेंगे, डिकोडिंग करेंगे, वो केवल लॉजिक ही समझेगा। मशीन लैंग्वेज जो है वो लॉजिक ही है, मतलब कंप्यूटर जो समझता है वो केवल लॉजिक को ही समझता है। लॉजिक में जीरो और वन होते हैं, जीरो डार्क साइड को शो करता है, वन ब्राइट साइड को शो करता है। तो जीरो वन केवल बाइनरी डिजिट होते हैं कंप्यूटर में, केवल इन्हीं चीजों को ही वो समझ पाता है। फिर हमने लिया रॉकेट। अब रॉकेट प्रोपल्शन जो होता है ना, रॉकेट, रॉकेट कैसे चलते हैं, तो रॉकेट आपने देखा होगा कि रॉकेट ऊपर की तरफ चलता जाता है और नीचे गैसेस निकलती जाती हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के अगेंस्ट में और अब हर एक एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि जब अगर रॉकेट ऊपर जा रहा है, गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग गैसेस नीचे की तरफ फोर्स लगा रही, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उतना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा, जिससे जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ पे वर्क करता है रॉकेट प्रोपल्शन, मतलब रॉकेट जो वर्क करते हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ पे वर्क करते हैं। ध्यान रखना है आपको, रॉकेट प्रोपल्शन कैसे वर्क करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ पर। फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो फैराडे लॉ पर वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो कैसे वर्क करता है, फैराडे लॉस पर, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो फैराडे लॉ पर वर्क करता है। ये भी हमें ध्यान रखना है, फैराडे लॉ पर इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करेगा कैसे, फैराडे लॉ पर।
और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है एरोप्लेन, बहुत देखते हैं हम लोग, ये बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एरोप्लेन जो है वो बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बर्नौली थ्योरम आपने पढ़ी है, बर्नौली थ्योरम का यूज है, मैं बताता हूँ बर्नौली थ्योरम क्या होती है। बर्नौली थ्योरम ये होती है पी वन अपॉन रो जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू पी टू अपॉन रो जी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू, दो सेक्शन के लिए। यहाँ पे P1 अपॉन रो जी जो है वो प्रेशर हेड होता है, P1 अपॉन रो जी प्रेशर हेड होता है, V1 स्क्वायर अपॉन 2G काइनेटिक हेड होता है, Z1 डेटम हेड होता है, इसी तरह से P2 अपॉन रो जी प्रेशर हेड होता है सेकंड वाले सेक्शन पर, V2 स्क्वायर अपॉन 2G V2 स्क्वायर है, V2 स्क्वायर अपॉन 2G काइनेटिक हेड होता है दूसरे वाले सेक्शन पर, और Z2 जो है ना डेटम हेड, डेटम हेड का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल हेड, डेटम हेड को हम लोग पोटेंशियल हेड ही बोलते हैं। तो प्रेशर एनर्जी पी वन अपॉन रो जी प्रेशर एनर्जी, वी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन टू जी काइनेटिक एनर्जी, जेड जेड होती है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर हम सिंपल फॉर्म लिखें कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस लॉ पर, ये जो लॉ है इस लॉ पर ही आपके प्लेन एरोप्लेन वर्क करते हैं। मतलब बर्नौली थ्योरम का जो एप्लीकेशन है, बर्नौली थ्योरम का जो यूजेज है वो है, बर्नौली थ्योरम का यूजेज कहाँ पर, एरोप्लेन के फ्लाई होने में, एरोप्लेन के यूज करते हैं बर्नौली बर्नौली थ्योरम का। बर्नौली थ्योरम मैं प्रूव कराऊंगा, मेरे इस पर पड़ी हुई है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड बर्नौली इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मैंने ड्राइव की हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो ये आप चैनल पर डाला हुआ है ऑलरेडी वीडियो, तो आप उस पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं और भी, अगर हम बात कर लें और भी डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं, जैसे थर्मोमीटर है जीरोथ लॉ पे वर्क करता है, थर्मोमीटर जीरोथ लॉ पे वर्क करता है, इसी तरह से स्टीफन आपके जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे रेडिएशन पायरोमीटर वर्क करता है। अब बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो साइंस में हम लोग यूज करते हैं और ये बेसिक हर जगह एप्लीकेबल है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है एरोप्लेन कैसे वर्क करता है, बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब एरोप्लेन कैसे वर्क करता है, बर्नौली प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिर हम हाइड्रोलिक एनर्जी की बात करते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब होता है जहाँ डैम होता है, डैम से हाइड्रोलिक हाइट से जब वाटर आता है तो उसमें जो एनर्जी होती है, जब वाटर हाइट किसी हाइट से आता है तो उस कंडीशन में जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी। तो क्या करते हैं टर्बाइन, हाइड्रोलिक एनर्जी को जब टर्बाइन में पानी आता है तो वाटर किसी हाइट से आता है उस कंडीशन में जो एनर्जी होती है उसे हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं, और जब वो टर्बाइन पर आता है टर्बाइन पर टकराता है तो उस कंडीशन में जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मतलब टर्बाइन की शाफ्ट रोटेट होती है उसे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, और टर्बाइन की शाफ्ट रोटेट होती है जनरेटर चालू हो जाता है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। मतलब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे वर्क करता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे, मतलब हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे। और फिर आपको बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, अगर हम बात करें हाँ, और इसमें देखिए डिवाइसेस बहुत सारे हैं, हमने क्या बेसिक बेसिक टॉपिक लिए हुए हैं, बेसिक बेसिक कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं वो हमने लिए हुए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अब आपको देखना है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। हाँ, एक चीज और देख सकते हैं, सोनार का नाम आपने सुना होगा, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार किस प्रिंसिपल पर करती है, सोनार है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये बात ये करती है रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स के प्रिंसिपल पर। मतलब यहाँ पर साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हम यूज करते हैं सोनार में। सोनार मतलब क्या होता है, जब किसी डेप्थ में आपको मालूम करना है कि कोई प्लेन है या कोई सबमरीन है नीचे, सबमरीन कितनी डेप्थ में है, तो वहां पे हम सोनार का यूज करते हैं। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार। इसमें क्या अल्ट्रा जो रिफ्लेक्शन साउंड आती है अल्ट्रासोनिक भी रिफ्लेक्ट होके आती है वो हमें मालूम चल जाता है। मतलब क्या होता है इस कंडीशन में, देखो जैसे अगर यहाँ पे हमने एक ट्रांसमीटर लगा दिया, ट्रांसमीटर यहाँ सबमरीन है, ये सी का लेवल है ना, सी लेवल है यहाँ पे, और यहाँ पे एक सबमरीन है, तो सबमरीन हमने मान ली कि यहाँ पर एस डिस्टेंस है, एस डिस्टेंस, और यहाँ से ये हमने ट्रांसमीटर था, यहाँ ट्रांसमीटर था, यहाँ का रिसीवर लगा हुआ है, कोई सिप है यहाँ ऊपर, इस सिप में लगा दिया, तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, डिस्टेंस डबल ट्रेवल करना पड़ती है एस जाने में एस आने में। तो इसमें कंडीशन में डिस्टेंस अगर आप देखो तो 2s इक्वल टू होता है v इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 2s डिस्टेंस s जाने की s आने की,
इस कंडीशन में स्टडी करते वी इंटू टी, वी यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है या स्पीड हो जाती है, और टी हो जाता है टाइम। तो सोनार का यूज कर ले, इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है या कितनी गहराई में है, कितनी डेप्थ में है, ये हमें मालूम चल जाता है इस कंडीशन से सोनार का यूज करके। सोनार का नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ निकालने के लिए कि वो कितनी डेप्थ पर है, गहराई में पानी में है तो कितनी गहराई में है पानी में, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ये किस पर वर्क करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स पर। रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स पर जो वर्क करता है वो होता है हमारा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मतलब सोनार। तो इस तरह से आप ये टॉपिक कंप्लीट है, ये आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिए। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।